बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है आयशा फ़रूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज़ वेल एज़ फेसबुक। आज जी ख़बरों का मसाला काफ़ी गर्म रहा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वी लॉग स्टार्ट करूँ, ज़रा देखें तो सही साथ वाले मुल्क में बिक क्या रहा है। पाकिस्तान के हालात धीरे धीरे श्रीलंका की तरह होते जा रहे हैं। सरकार बदलने के बाद भी वहां लोगों का हाल नहीं बदला है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर्जा चाहिए और दुनिया उसे कर्ज देने को तैयार नहीं है। हालात ये आ चुके हैं कि पाकिस्तान पहले से लिया हुआ कर्ज और उसकी किश्तें तक नहीं भर पा रहा है। नतीजा ये कि शहबाज शरीफ की सरकार ऐसे देशों के आगे झोली फैलाकर पूछ रही है, पाकिस्तान ऑन सेल, खरीदोगे? सुना आपने, अब इस चीज का कसूरवार किसको ठहराया जाए? पाकिस्तान की 22-24 करोड़ आवाम को या उन सियासतदानों को जो अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए हर पाकिस्तान की इज्जत को दांव पे लगाए बैठे? आज अदालतें 24 घंटे ले गई, रेंजर्स आ गए, मुल्क के अंदर तबसरों का एक तबादला रहा, बिल्कुल क्लैशनकॉफ की गोलियों की तरह। पुराने सहाफियों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बना लिए एक दूसरे को रुस्वा करते करते, और शाम होते होते दूसरे मुबालिक की स्क्रीन्स के ऊपर पाकिस्तान ऑन सेल। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।